हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक क्राफ्ट लेकर आई हूँ और इस क्राफ्ट में मैं इस प्लास्टिक के बॉटल का यूज करूँगी। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक के बॉटल को मार्क करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे बॉल पुटी के डो से कवर करेंगे। मैंने बॉल पुटी का डो पहले बना के रख लिया था और मैंने आपको बताया है कि बॉल पुटी का डो हम कैसे बनाते हैं। डो बनाने के लिए हम बॉल पुटी लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से उसे गूंथ के बॉल पुटी का डो तैयार कर लेंगे। बॉल पुटी के डो से इसे कवर करने के बाद अच्छी तरह से सूखने के लिए मैंने इसे रख दिया था। और ये देखिए, जब अच्छी तरह से सूख गया है तो मैं इस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके बॉल पुटी ली है और उसे इस तरह से मैं इस पे डिटेलिंग कर रही हूँ। हम इसे ऑक्टोपस का शेप दे रहे हैं और ऑक्टोपस बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैं इसे बना रही हूँ। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसे प्रॉपर शेप देने के बाद मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब मैं इसे कलर करूंगी। तो देखिए, ये अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक मेटैलिक कलर का यूज किया है। आपके पास अगर मेटैलिक कलर नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से कलर कर लिया और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो देखिए, सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम अपने घर में पड़े इस तरह के बेकार से पॉलीथीन का यूज करेंगे। सबसे पहले इस पॉलीथीन को हम एक एक करके इस तरह से इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम इसे धागे की हेल्प से बांध देंगे। इसके बाद हम एक रंगीन पेपर लेंगे और उस पेपर को इस पे चिपका देंगे। अगर आपके पास रंगीन पेपर है तो आप रंगीन पेपर ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वाइट पेपर ले सकते हैं और आप इसे बाद में अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से कवर करने के बाद हम ग्लिटर शीट लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का ग्लिटर शीट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं इस ग्लिटर शीट से छोटे छोटे फ्लावर बनाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से कट करके फ्लावर बना रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्राउन कलर के फ्लावर बनाए हैं और थोड़े से ग्रीन कलर के फ्लावर बनाए हैं। अब इस फ्लावर को जो हमने प्लास्टिक का बॉल तैयार किया है उस पे इसे ऊपर के हिस्से पे इसे चिपकाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके इन सारे फ्लावर को इस पे चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे फ्लावर को चिपकाने के बाद ये कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। तो अब जो हमने ऑक्टोपस तैयार किया है उसे लेंगे और इस फ्लावर को हम इस पे रखेंगे। तो बस इसी के साथ हमारा क्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये क्राफ्ट कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।